हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल शोभा की रेसिपी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम की सब्जी। दोस्तों अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में मौजूद घंटी को भी दबाइए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों हम मशरूम की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम यहाँ पर एक पाव प्याज ले लिए हैं, इसको अच्छे तरीके से छील कर धोकर साफ़ कर लिए हैं। देखिए इसको हम चाकू से पतला पतला काट देंगे। दोस्तों मशरूम की सब्जी बनाने के लिए प्याज की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहनी चाहिए। जैसे कि आप मुर्गा या अंडा बनाते हैं तो ज़्यादा प्याज डालते हैं, वैसे ही सेम सब्जी इसका बनता है। तो देखिए हम यहाँ पे सारे प्याज को अच्छे से काट लिए हैं और ये देखिए सूखा मिर्चा 4-5, लहसुन 3 तेज़पत्ता और यहाँ पे कटा हुआ 1 पाव प्याज। तो चलिए सबसे पहले हम मशरूम को दिखाते हैं। दोस्तों हम डब्बे वाला मशरूम लिया है, यहाँ पे आप पैकेट का भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है। दोस्तों ये मशरूम आप चाहे तो 3-4 महीने तक भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। देखिए बिल्कुल फ्रेश है, कहीं ख़राब आपको नहीं दिख रहा है। इसको 4 या 5 पानी से धो लेंगे, धोकर साफ़ कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम धोकर साफ़ कर लिए हैं इसको। दोस्तों इसे चाहे तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 टुकड़ा कर दे रहे हैं क्योंकि ऐसे ही बनाएंगे तो इसमें नमक का मात्रा अंदर नहीं जाता है, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम टुकड़ा टुकड़ा कर दे रहे हैं। सारे मशरूम को हम देखिए टुकड़ा टुकड़ा कर दिए हैं, कितना फ्रेश दिख रहा है। आइए दोस्तों अब हम मसाला को देख लेते हैं। देखिए कितना सुंदर मशरूम दिख रहा है। ये सूखा मिर्चा पाउडर है और ये मिक्स मसाला है और ये नमक और ये हल्दी पाउडर है और ये पंचफोरन और ये गरम मसाला। गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पीसने के लिए मसाला लहसुन डाल देते हैं, उसके बाद सूखा मिर्चा डाल देंगे। इसका डंडी तोड़कर साफ कर लेंगे और इसके बाद कटा हुआ प्याज डाल देंगे। आप प्याज चाहे तो आधा पीस सकते हैं या थोड़ा सा भी पीस सकते हैं, जैसा आपको ग्रेवी बनाना है वैसा आप मसाले पीस सकते हैं। देखिए यहाँ पे छोटी इलायची और 2 लौंग। दोस्तों छोटी इलायची से और लौंग से स्वाद बढ़ जाता है मसाला का। इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और फिर मिक्सर में पीस लेंगे इसको। देखिए यहाँ पे हम कितना बढ़िया से मसाला पीस लिए हैं, ज़्यादा बारीक नहीं किए हैं। तो कढ़ाई को गैस पे हम गरम करने के लिए चढ़ा दिए हैं, इसमें तेल डाल दिए हैं। तेल को 1-2 मिनट के लिए हम गरम होने देंगे। देखिए दोस्तों तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम मशरूम डाल देंगे और मशरूम डालकर इसको अच्छे से हम भून लेंगे। दोस्तों किसी भी पार्टी या फंक्शन में जाइए तो लोग ज़रूर पूछते हैं कि किस चीज़ की सब्जी बनी है, कटहल बना है या मशरूम बना है या पनीर बना है। तो हम लोग बड़ी खुशी से बोलते हैं कि आज उनके यहाँ मशरूम बना है, बहुत टेस्टी मशरूम बना है। तो इसी तरह हम घर पे मशरूम की सब्ज़ी बनाएं तो वैसा ही सब्ज़ी बनेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल देंगे और हल्दी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों जितना ही इसको भुनेंगे अच्छे से उतना ही मशरूम हमारा गलते जाएगा और अच्छे से उसको भुन भी लेंगे। और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे क्योंकि नमक डालने से मशरूम में पहले से नमक अंदर चला जाएगा तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए इसका हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो गैस पे हम कुकर को गर्म करने के लिए चढ़ा दिए थे, इसमें तेल डाल देंगे। दोस्तों तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत लोगों को तेल ज़्यादा नुकसान करता है, तो आप अपने अनुसार तेल डालिए। दोस्तों तेल को 1 या 2 मिनट के लिए हम गर्म कर लिए हैं, इसमें हम पंचफोरन डाल दिए हैं। पंचफोरन को भी 1-2 मिनट तक हम भून लेंगे, ज़्यादा काला नहीं करेंगे, हल्का भूरा रखेंगे। देखिए हम कितना बढ़िया से इसको पंचफोरन को भून लिए हैं। इसके बाद हम तेज़पत्ता डालेंगे। देखिए तेज़पत्ता 2 या 3, आप कितना भी तेज़पत्ता डाल सकते हैं। इसको भी हम 2 या 3 सेकंड तक गर्म करेंगे। फिर ये कटा हुआ लहसुन इसको भी हम डाल देंगे और इसके बाद खड़ा सूखा मिर्चा। इसके बाद हम कटा हुआ 4 या 5 सूखा मिर्चा डाल देंगे। दोस्तों सूखा मिर्चा डालने से सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसको 1 या 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। इसके बाद हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को भी 5 या 10 मिनट तक हम गलाएंगे। जब प्याज हमारा हल्का सा गल जाए तो इसको हम अच्छे से ढक्कन से ढक देंगे 2 या 3 मिनट तक के लिए, ताकि प्याज हमारा अच्छे से गल जाए। देखिए कितना बढ़िया से प्याज हमारा गल गया है। अब हम इसमें मसाला डालकर आपको दिखाते हैं। चिकन को हटाकर हम देख लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया से प्याज गल गया है। अब इसमें हम पिसा हुआ मसाला डाल देंगे
और इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसको मिक्स कर लिए हैं हम दोस्तों। इसके बाद हम गोल मरीच पाउडर डाल देंगे और ये सूखा मिर्चा पाउडर आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम मसाले में भी पीसे हैं इसको, और ये मिक्स मसाला एक चम्मच, और ये जीरा पाउडर आधा चम्मच। इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। दोस्तों कोई भी सब्जी बनाइए अगर उसका ग्रेवी अच्छा बने तो मानिए कि सब्जी हमारा बहुत अच्छा बना है। तो चलिए अब हम आपको ग्रेवी बना रहे हैं और दिखा रहे हैं। इसके बाद हम एक चम्मच इसमें नमक डालेंगे। नमक चाहे तो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, कम खाते हैं तो कम डालिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। दोस्तों बहुत लोग सब्जी बनाते हैं तो लास्ट में गरम मसाला डालते हैं, लेकिन हम यहाँ पहले ही गरम मसाला डाल दे रहे हैं ताकि गरम मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे और इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम मसाले में मशरूम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मशरूम को डालकर। तो देखिए हम सब मशरूम को डालकर अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसको जितना ही अच्छे तरीके से भूनेंगे ये इतना ही अच्छा बनेगा और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। दोस्तों इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अगर पानी नहीं डालेंगे तो मसाला हमारा नीचे से चिपकने लगेगा। दोस्तों कोई भी सब्जी बनाइए अगर आपका ग्रेवी अच्छा बन गया है तो मानिए कि सब्जी अच्छा बन गया है, क्योंकि सब्जी में मेन ग्रेवी ही होता है। अगर ग्रेवी में कोई भी मसाले के अंदर आ जाती है तो ग्रेवी अच्छा नहीं बनता है, इसीलिए सारे मसाले को हम एक मात्रा में डालते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हम ग्रेवी बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनता है। और इसमें पानी डाल देंगे, पानी अपने अनुसार डालेंगे क्योंकि जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना ही पानी डालेंगे, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह आप मशरूम की सब्जी बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। तो इसको हम ढक्कन बंद कर देंगे, 2 या 3 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलकर देखेंगे कि सब्जी हमारा कैसा बना है। देखिए कितना बढ़िया ये सब्जी बनकर तैयार हो गया है। वाह कितना बढ़िया सब्जी बना है, ऐसा तो सब्जी हमने कभी खाया ही नहीं है। दोस्तों अभी तक आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में मौजूद घंटी को भी दबाइए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।